ये तस्वीरां बैबल कला दियां ने जिथे इंसाफ मोर्चा इंसाफ उडीक रहा है तो उडीक लमेरी हो रही है। हुण गोलीकांड के पीड़ितों ने कई सिख संगठन नाल मिलकर फरीदकोट जिले चो लंघदा बठिंडा अमृतसर कौमी मार्ग जाम कर दिता है। उन्होंने आख्या कि जेकर जल्दी न्याय ना दिता गया तो होर जाम लाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बने नूं भी साल हो गया है पर हले तक इंसाफ नहीं मिलिया। दो दिनों तो यह कौमी राजमार्ग जाम है तो इतों लंघन वाले लोगों नूं मुश्किल आ रही ने। दूजे पासे इंसाफ मोर्चे का कहना है कि हले तक दोषियों नूं सजावां नहीं मिलियां जिस कारण उह परेशान होकर प्रदर्शन करन नूं मजबूर ने। NH 54 नैशनल हाईवे दोनों पासे बंद कर दिता है तो ये उन्ना समा बंद रहेगा जिन्ना समा साडिया जिहड़ियां हुण मंगां जिहड़ियां ते पहलां जिवें आपां कहिंदे सी वी कोई गल नहीं है 10-15 दिन है वह हुण 10-15 दिन की खेड जी खत्म करती है। हुण सिद्धा नूं हल करके आउणगे उदो रोड खोले जाणगे। बाकी असीं साफ स्पष्ट यही किया गा भी इस मसले का हल करके पंजाब सरकार आवे उस तो बिना नहीं। मुद्दों के उत्ते राजनीति करना यही सब तो वड्डी एक गलत फहमी है जिहदे करके लंबा समा सरकार नूं इस चीज़ का न्याय करने वास्ते असीं आ जिहड़े मजबूर नहीं कर सके साडे च डाउनफॉल आए सीगे। सो अज गुरु साहब की कृपा के सदका चढ़ती कला के नाल जिहड़े अगे प्रोग्राम भी होणगे रोड भी ब्लॉक होगा तो इस तों बाद जिहड़े अगले प्रोग्राम भी इत्थों लिखे जाणगे। आखिर बेअदबी ते गोली कांड है की बेअदबी मामलों खिलाफ रोस जाहिर करने वालों ते पुलिस के वलों 2015 गोली चलाई गई सी। 2015 फरीदकोट के पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सरूप चोरी होया सी। इस दे अंग पिंड बरगाड़ी विखे मिलन तो बाद कोटकपुरा ते बैबल कलां विखे धरना प्रदर्शन होए सी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के विरोध में धरना दे रहे लोगों उत्ते पुलिस ने बैबल कलां विच गोली चला दी सी। दो जनियां दी मौत हो गई सी ते कई जख्मी होए सी। जस्टिस रणजीत सिंह ते जोरा सिंह कमिशन ने बेअदबी दीआं घटनावां बारे रिपोर्टां सूबा सरकार नूं सौंपियां सी। जांच लई कई सिकटां भी बणियां। लंबे समय तो परिवार इंसाफ लई संघर्ष कर रहा है हुण उहनां दे कौमी मार्ग ते आउण नाल संघर्ष होर तिखा हो गया है। बैबल कलां विच पुलिस गोलीबारी विच मारे गए कृष्ण भगवान दा पुत्तर सुखराज सिंह रोस मुजाहरे दी अगवाही कर रहा है। सुखराज सिंह ने आख्या कि आपकी सरकार भी सिर्फ देरी ही कर रही है ते न्याय देने प्रति गंभीर नहीं जापती। हुण वेखना होगा कि सरकार कद इंसाफ करती है। फरीदकोट तो जगतार दुसांस दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।